हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है ऐशिका वर्मा, मेरे चैनल का नाम है ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, क्या आपने आटे की बनी रोटियों को खाने के साथ साथ क्या आटे का बना फेस पैक कभी लगाया है अपने फेस पर? अगर नहीं तो आज की वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि आटे में भी छुपे हुए हैं बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि हमारे स्किन को चाहिए होते हैं। तो फिर आइए अपनी वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको लेना है एक बाउल। बाउल के अंदर आपको डालना है एक चम्मच गेहूं का आटा। अगर आप अपने सिर्फ फेस पर ही इस पैक को लगाना चाहते हो तो सिर्फ एक चम्मच ही काफ़ी है आपके लिए। अगर आप अपने हाथों और अपने नेक पर भी इसे लगाना चाहते हो तो आपको एक से दो चम्मच गेहूं का आटा ले लेना है। गेहूं का आटा हर किसी के घर में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक से दो चम्मच गेहूं का आटा ले लिया है। अब जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है एक आलू यानी कि पोटैटो। पोटैटो को आपको अच्छी तरीके से छील लेना है और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि एक ही आलू सिर्फ आपके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद आप इसको ग्रेटिंग मशीन से अच्छी तरीके से ग्रेट कर ले, या फिर आप इसको फाइनली चॉप करके ग्राइंडिंग मशीन से इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको फाइनली ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही अच्छी तरीके से पल्प मुझे ईजिली मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रेट करने के बाद या फिर ग्राइंड करने के बाद इसका जूस आपको इसका निकालना है। जूस निकालने के लिए आप यहाँ पे छलनी भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे अपने हाथों से भी प्रेस करके इसको आराम से इसका जूस निकाल पाओगे। सारे के सारे ग्राइंडेड और ग्रेटेड पोटैटो को आपको अच्छी तरीके से फाइनली प्रेस करके इसका सारा पल्प यानी कि जूस इसका निकाल लेना है। आलू का जूस गर्मियों में होने वाली टैनिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है, साथ ही साथ चेहरे पे प्रेजेंट होने वाले डार्क स्पॉट्स और अनइवन टोन को भी ये ख़त्म करता है। ये कालेपन को दूर करने के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको अपने फेस पर, अपने हैंड्स पर या फिर अपने नेक रीजन पर अगर कालापन है तो पोटैटो का जूस, जो कि आज इस वीडियो में मैं आटे के साथ मिलाकर दिखाने वाली हूँ, वो रेमेडी आप ज़रूर यूज़ करें। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखेंगे आपको अपनी स्किन पर। अब इस पोटैटो जूस को आपको इस आटे में मिक्स करना है और मिक्स कर आपको इसका एक रनी पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसका पोटैटो जूस ले सकते हो, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में आटा कितना लिया है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है दो चम्मच लेमन जूस, और बाई चांस अगर लेमन का सीड यानी कि बीज आ जाता है तो इसको आराम से आप निकाल दीजिए। लेमन के अंदर ब्लीचिंग एजेंट जैसी प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे चेहरे पर से डर्ट को रिमूव करती है, साथ ही साथ ये ब्लीचिंग का इफेक्ट हमारे स्किन को देती है। आपको सिर्फ ये दो ही इंग्रेडिएंट ऐड करने थे अपने आटे में। फिर आप इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और अगर आपका पैक थिक हो जाता है तो आप इसके अंदर और भी ज़्यादा पोटैटो जूस, या फिर अगर आप पोटैटो जूस नहीं है आपके पास तो इसके अंदर आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा और भी कोई इंग्रेडिएंट ना ही ऐड करें तो बेटर है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा ये फेस पैक थिक हो गया था, जिसके अंदर मैंने और भी ज़्यादा पोटैटो जूस ऐड करके इसको एक थिक और रनी फेस पैक का पेस्ट बना लिया है। तो चलिए, अब बारी है इसको अपने फेस पर लगाने की। आप इसे फेस पैक ब्रश से या फिर कॉटन से, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अपने फिंगर से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरे फेस पर आपको इसे इवनली अप्लाई कर लेना है, साथ ही साथ अंडर आई एरियाज पे भी इसको अप्लाई करना है आपको, क्योंकि जो पोटैटो का जूस होता है वो डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आटा हमारे फेस पैक को एक बेस देता है जो कि हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देता है। आटा डेड सेल्स के लेयर को रिमूव करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जब आपका फेस पैक सूख जाए, ड्राई हो जाए, आपको अपने फेस को वॉश नहीं करना है, आपको अपने फेस को एक वेट टॉवल से अपने क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के 5 मिनट बाद आप अपने फेस को वॉश कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फेस की सारी टैनिंग रिमूव हो गई है, साथ ही साथ फेस पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो भी आ गया है, साथ ही साथ स्किन भी बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई है। इसको आपको हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करना है, तभी इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखेंगे अपने स्किन पर। वीडियो को कैसे लगी हो ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।